हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम जीवी फिल्म्स लिमिटेड कंपनी के बारे में आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम जीवी फिल्म्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसमें लाइक एनालिसिस करने वाले कंपनी के बारे में एंड लाइक इसमें लाइक पूरा एनालिसिस करेंगे। लाइक इसमें हम कंपनी का प्रोफाइल देखेंगे, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉजेस, पीएस कंपेरिजन, क्वार्टरली जो भी रिजल्ट होते हैं कंपनी के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखेंगे, साथ में कंपनी का बैलेंस शीट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, साथ में कंपनी का लास्ट 5 ईयर कंपनी का ग्राफ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जीवी फिल्म्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात की जाए, सो ये कंपनी 1989 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। मोस्टली अगर देखा जाए तो जीवी फिल्म जो है इंगेज है बिजनेस ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, लाइक फिल्म्स वगैरह में जो ये कंपनी है उसमें काम करती है, लाइक इसका एक प्रमोशन करती काम करती है। सो इसमें कंपनी जो है इंगेज है। सो बेसिकली था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट कंपनी का डेटा, कंपनी के डेटा की बात की जाए तो कंपनी का 103 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का प्राइस अर्निंग देखे, स्टॉक पी देखे, जिस कंपनी का नहीं दिया, बिकॉज अगर कंपनी का ये नहीं दिया मीन कंपनी जो है लॉस में है। कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो कितना माइनस में दिया, -3.47% का। कंपनी का डेप्ट देखे तो 18.1 करोड़ का। अब मोस्टली अगर देखा जाए कंपनी का जो इसका डेप्ट है कम, कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस भी किया है देखा जाए यहाँ पे तो। एंड यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री पी देखें तो कंपेयर टू लाइक स्टॉक पी नहीं दिया, इंडस्ट्री पी दिया हुआ है, बट इंडस्ट्री पी देखें तो 14.7 दिया हुआ है, जो कि देखें तो ठीक है। कंपनी का करंट प्राइस देखें तो 1.13 रुपीज़ चल रहा है। सो आपको लाइक 1.5 रुपये में आपको कंपनी का करंट प्राइस आपको लाइक इसका शेयर आपको मिल जाए। कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 0.24 दिया, जो कि पॉजिटिव में दिया है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो माइनस में दिया गया था, -8.33%, जो कि नेगेटिव में जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन भी ले लिया है, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल भी नहीं है। अगर उसके पास वर्किंग कैपिटल भी हो तो किसी से लोन लिया है बैंक वालों से, लाइक कितना -5.92 करोड़ का कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के लिए उसने लोन लिया है। एंड कंपनी का हाई लो देखे तो 1.99 एंड लो देखे तो 0.29। सो बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं सो लाइक ये 150 पे या फिर 160 पे इतने भी जाता तो आपको लाइक उतने पे आपको टारगेट लेकिन अगर निकाल लेना अपने को, आपको मतलब शेयर परचेस करके आपको निकाल लेना, उसमें से एग्जिट कर लेना है। बट मोस्टली अगर बोलूँ ऐसे शेयर्स अगर आप ले भी रहे हैं तो मोस्टली आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा लाइक आप 4-5 या 10 साल के लिए अगर आप रखोगे तभी उसके शेयर प्राइस लाइक उसके अप जाते हैं। बट अगर आप सोचोगे कि लाइक 1 ईयर 2 ईयर में इसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा तो ये मोस्टली ये ऐसी कंपनीज आपको इतना रिटर्न नहीं देती। बिकॉज अगर ये कंपनी के बारे में बात भी की जाए तो ये कंपनी के लिए कितना ट्रेडिंग भी नहीं करते हैं लोग, लाइक इसका 1 रुपये में शेयर मिलता तो लोग खाली इन्वेस्ट करके छोड़ दिए हैं सिर्फ। इसमें अगर देखा जाए तो ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखे तो 1 रुपीज़ है। यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो यहाँ पे 0% दिया हुआ है, प्रमोटर जो होल्डिंग होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रोज एंड कॉज कंपनी का जो भी पॉजिटिव जो चीज़ें दी सारी चीज़ें नेगेटिव में ही दी हुई है। यहाँ पे देखें तो स्टॉक कितने टाइम्स बुक्स वैल्यू के कर रहा है ट्रेडिंग, 4.67 टाइम्स कर रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। एंड लाइक कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज भी है। कंपनी का लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ कितना कम हुआ है, -41.29%, बहुत ज़्यादा कम हुआ है। कंपनी का लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो आता है वो भी कम है, कितना -4.56%। एंड कंपनी लाइक कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो, सो यहाँ पे सारी चीज़ आपको देखनी जरूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं तो। पी एस कंपेरिजन की बात की जाए तो जीवी फिल्म्स में लाइक 1 रुपये में आपको शेयर मिल रहा है, डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इसके जो भी नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज देखें तो इसके नेगेटिव में है। बट अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू जो कंपेयर अलग क्लास को रिजल्ट कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। बाकी की भी कंपनी से जिसके शेयर प्राइस आपको लाइक 74 रुपीज़ में 274 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, 500,000 में 1800 में भी आपको मिल जाएंगे, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते। बट अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बारे में जान लीजिए कि कंपनी क्या काम करती, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, देन आप तभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोचिएगा। सो ये था पीएस कंपेरिजन। यहाँ पे लाइक आप पी भी देख सकते, बहुत सी कंपनी का लाइक प्राइस अर्निंग भी दिया हुआ है, सो सारी चीज़ें कंपेयर करें तो आप उसमें भी जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये था पीएस कंपेरिजन। नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए सो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है देखिए अगर यहाँ पे तो प्रॉपर अगर आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी का तो लाइक जून 2019 से लेके यहाँ पे अगर आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स वाइज तो कंपनी का जो क्या बोलते हैं जो भी कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ा है। बट अगर आप पॉइंटर्स वाइज लेके लाइक 2020 में देखें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 0.43 था, 10.94 था। बट बेसिकली अगर आप देखें सेल्स जो कंपनी का हुआ है वो कम हुआ है। बट अगर आप लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है बढ़ा है, साथ में एक्सपेंसिस भी
बड़े हैं अगर आप लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट देखें। ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पे बड़ा है, बट अगर आप लास्ट क्वार्टर रिजल्ट देखें तो कितना 59.09% का बड़ा हुआ है। बट बाकी के भी जितने भी अगर आप देखें सब सारे के सारे जो भी थे ओपीएम परसेंटेज सब नेगेटिव में दिए हुए हैं, स्टार्टिंग के पॉजिटिव में दिए हैं। बट सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी जरूरी, नोटिस करनी ज़रूरी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट का देखें तो नेट प्रॉफिट में लाइक कंपनी का अभी भी कंपनी लॉस में ही है, कंपनी लॉस मेकिंग कर रही है। सो इसके लिए जितने भी इसके लास्ट के 3 क्वार्टर जो भी रिजल्ट है वो सब लाइक लॉस में ही आए हैं देखे जाए तो। सब लाइक कंपनी को लाइक कितना जून में कितना 0-0.59 crore का लॉस हुआ था, सेप्टेम्बर में 0.55% का 55 crore का, एंड दिसंबर में -0.20 crore का। सो बेसिकली देखा जाए कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस कर रही है, बट कंपनी के लाइक रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है अगर आप देखें लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट। सो ये सारी चीज़ें भी आपको नोटिस करनी ज़रूरी है। ओके सो यहाँ पे ये था क्वार्टरली रिजल्ट। नेक्स्ट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अगर आप यहाँ पे देखें सो लाइक अगर आप लाइक मार्च में देखें तो के लिए एंड ऑफ द ईयर का देखें यहाँ पे बैलेंस शीट का। सो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखें जो भी लाइक कंपनी के होते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो लास्ट के 3 क्वार्टरली अगर आप रिजल्ट यहाँ पे देखें मार्च के क्वार्टर रिजल्ट लाइक ईयर वाइज अगर आप देखें मार्च 2019, मार्च 2020 एंड मार्च 2021 का अगर आप देखें तो कंपनी का यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का जो लाइक रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे लाइक बढ़ा था मार्च 2020 में, बट लाइक मार्च 2021 में आके यहाँ पे डायरेक्टली कम हो गया। 2020 में बढ़ा था बट 2021 में आके लाइक पूरा कम ही हो गया अगर देखा जाए तो कंपनी का जो भी रेवेन्यू होता है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात की जाए तो कंपनी के एक्सपेंसेस अगर देखें यहाँ पे तो एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े हैं लास्ट लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो जस्ट लाइक कंपनी के लाइक यहाँ पे एक्सपेंसेस देखें तो मार्च 2019 में था 3.15 crore था, एंड मार्च 2020 में था 11.10 crore, एंड मार्च 2021 में था 1.26 crore। सो बेसिकली देखें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी कंपनी के लाइक कम हुआ है। सेल्स अगर कम हो गया तो इट मीन्स कंपनी के एक्सपेंसेस भी कम है, एक्सपेंसेस कम हुआ इट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट जो लॉस कंपनी का लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो भी कम हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे देखें तो इसलिए कंपनी को लाइक यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ। बट अगर आप यहाँ पे देखें लास्ट के लाइक 2019, 2020, 2021 का ईयर वाइज कंपेयर करें तो कंपनी के लाइक बहुत से लाइक इस कंपनी को लाइक लॉसेस हुए हैं, बट अगर देखें तो धीरे धीरे कंपनी के लॉसेस थोड़े धीरे कम होते गए हैं। बट अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ इन्वेस्टमेंट करने की तो बेसिकली आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा है। बाकी भी कंपेरिजन में अदर कंपनीज हैं उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अगर आपको मन है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट आपको ज़्यादा इतना ज़्यादा भी क्वान्टिटी नहीं मिलना है कि लाइक आपको 5,000 या 3,000 डाल देना है। मिनिमम आप मिनिमम अमाउंट डालिए जिससे आप कवर भी कर सके किसी और स्टॉक में आप ट्रेडिंग करके। सो आप उतना ही आपको अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी में। ओके सो ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट कंपनी का बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल की बात की जाए तो कंपनी का शेयर कैपिटल यहाँ पे कम हुआ है अगर देखें तो। शेयर कैपिटल कम या ज़्यादा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी का रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व यहाँ पे देखें तो नेगेटिव में दिया हुआ कितना, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, बढ़ा भी नहीं है, रिजर्व नेगेटिव में दिया हुआ है। बोरोविंग देखें तो कंपनी ने बोरो अभी तो कितना किया है सेप्टेम्बर का ही अगर आप देखें 2021 का तो कितना 16.1 crore। तो यहाँ पे लाइक कितना 18.14 crore का कंपनी ने बोरोविंग किया हुआ है सितंबर 2021 का देखिए, बाकी के भी ईयर्स के आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे लाइक अगर आप फिक्स असेट का देखें यहाँ पे तो फिक्स असेट का भी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। कंपनी का लाइक इन्वेस्टमेंट के देखें तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट जो भी प्लान से आप देख सकते हैं, कंपनी ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं किया अगर आप यहाँ पे देखें तो। सो ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में आपको देखनी ज़रूरी है। लाइक शेयर कैपिटल से तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ पे लाइक अप एंड डाउन होते रहते हैं। रिजल्ट का आपको देखना जरूरी है। कंपनी के जो फिक्स असेट्स हो गए एंड CWIP का भी आपको देखना जरूरी है। यहाँ पे देखें तो ये भी कम हुआ है। सो लाइक ये था कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर्स इन परसेंटेज में देखें तो FII का जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पे लाइक पूरा ही खत्म हो गया। प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग क्यों नहीं दिया, बिकॉज कंपनी ऐसी इतना ज़्यादा लॉस करी इतनी प्रमोटर्स ने अपना ज़्यादा जितना भी था सब अपना शेयर निकाल लिया, प्रमोटर्स में है ही नहीं। सो आप
इजीली आप टारगेट लगा सकते हैं कि लाइक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। ऐसी कंपनीज में फर्स्ट ना, मतलब टाइम वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाएगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना ही कीजिए तब के लिए बेटर रहेगा। DI का शेयर होल्डिंग देखें तो DI शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे लाइक बड़ा है, बट अगर पब्लिक का शेयर, पब्लिक में लाइक बहुत से लोग, पब्लिक जो रिटेलर्स जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं लाइक उनको लाइक छोटे प्राइस में, कम प्राइस में अगर शेयर मिलता है तो लाइक उसमें लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। बट बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के लाइक परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, लाइक क्वार्टरली रिजल्ट्स, बैलेंस शीट हो गया, शेयर होल्डिंग हो, पैटर्न हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी जरूरी है। जिसमें प्रमोटर्स ही नहीं है मतलब आप समझ सकते हैं कि लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा कि नहीं रहेगा। सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो लाइक 2018, 2019, 2020, 2021 में कंपनी का लाइक देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो दो ईयर है 2018, 2019 ये ईयर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था बट कंपनी के लॉसेज भी बहुत अच्छे खासे बढ़े थे। 2020 की बात की जाए तो यहाँ पे लाइक इस ईयर्स में कंपनी का लाइक रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ था प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी हुआ था, बट 2021 में आगे देखो तो कंपनी का एक लॉसेस भी हुए हैं प्लस कंपनी का रेवेन्यू भी लाइक थोड़ा बहुत बढ़ा था, बट कंपेयर कर 2020 से कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया, प्लस प्रॉफिट भी हुआ है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गया प्लस कंपनी के लॉसेज भी हुए हैं। सो ये सारी चीज़ आपको देखनी ज़रूरी सो हो जाए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना ही कीजिए। कंपनी का लास्ट 5 ईयर का ग्राफ यहाँ पे नहीं दिया बिकॉज कंपनी एक ही जगह पे अटकी पड़ी है एंड कंपनी का लाइक कोई बहुत से लोग कंपनी का लाइक स्टॉक परचेस कर भी नहीं रहे हैं, सो इसलिए इस कंपनी का ग्राफ नहीं दिया हुआ है। सो आप इससे भी अंदाजा लगा कितनी नेगेटिव कंपनी है, आप इसमें आपको इससे इन्वेस्टमेंट करना ही, किसी ने अगर स्टॉक लिया भी रहेगा ना थोड़ा बहुत भी उसका ऊपर थोड़ा अगर जाता है प्राइस तो आप उसमें ऐसे एग्जिट कर लीजिए, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी। सो आई थिंक सो जितने भी डाउट्स थे लाइक GV फिल्म्स लिमिटेड कंपनी लाइक क्लियर आउट हो गए। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने अंत तक वीडियो देखा, एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के।